अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास और आप देख रहे हैं आईटी फिक्सर टीवी। और हम विंडोज़ 2019 की सीरीज़ का कोर्स ये कर रहे हैं और इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे विंडोज़ एडमिन सेंटर की। विंडोज़ एडमिन सेंटर क्या है और ये किस तरह से विंडोज़ सर्वर्स को, मुख्तलिफ सर्वर्स को मैनेज करने के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। आज हम देखेंगे इसको हम किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरह से हम सर्वर को बग़ैर लॉगिन किए हुए वेब ब्राउज़र के ज़रिए तमाम सर्वर्स को एक ही जगह से हम मैनेज कर सकते हैं। ना सिर्फ सर्वर्स बल्कि हम विंडोज़ 10 के पीसीज को भी एडमिन सेंटर के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, उनके ऊपर इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, उनके ऊपर फाइल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी किसी भी किस्म की सेटिंग्स को मैनेज कर सकते हैं, इवन कि उनको रिमोट डेस्कटॉप भी वेब ब्राउज़र के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम विंडोज़ एडमिन सेंटर को डाउनलोड करेंगे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन के अंदर से आपने डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर लिया है। इसके बाद हम इसको इंस्टॉल करेंगे अपने किसी विंडोज़ 10 के सिस्टम के ऊपर या किसी मेंबर सर्वर के ऊपर। ये याद रखना है दोस्तों कि इसको डोमेन कंट्रोलर के ऊपर इंस्टॉल नहीं करना, क्योंकि डोमेन कंट्रोलर पे इंस्टॉल करने के लिए ये आपको एरर देगा। इसको आप किसी भी मेंबर सर्वर के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं या किसी विंडोज़ 10 के सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि डोमेन का पार्ट हो। तो आइए इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। डाउनलोड का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, वहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। ये वाला सेटअप आपको मिल जाएगा। इसको हम करते हैं डबल क्लिक और करेंगे इंस्टॉल। सिंपल सी इंस्टॉलेशन है। लाइसेंस को एक्सेप्ट कर लेना है, टर्म्स को एक्सेप्ट करना है, नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने विंडोज़ अपडेट को ऑन रखना है, ये रिकमेंडेड है। और एक चीज़ और जहन में रख लें कि ये बिल्कुल फ्री टूल है विंडोज़ एडमिन सेंटर, इसकी कोई कास्ट नहीं है, ये फ्री है। सो काइंडली अपडेशन को ऑन रखें, इससे आपके विंडोज़ के लाइसेंसिंग के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और इसका लेटेस्ट वर्जन ही डाउनलोड करें। तो अपडेट को ऑन रखते हुए हम इसको नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट कर देंगे। और पोर्ट नंबर जैसा कि आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट में हमें अपनी पोर्ट वो बता रहा है 6515। अगर आपने डिफ़ॉल्ट पोर्ट के साथ जाना है तो इसी के साथ रहने दें। अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई पोर्ट चेंज करना चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे पोर्ट चेंज कर सकते हैं। मैं इसको डिफ़ॉल्ट पोर्ट के साथ यूज़ कर रहा हूँ और इसको डेस्कटॉप के लिए मैं एक आइकन भी क्रिएट कर लेता हूँ और इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो रही है। जैसे कि ये हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी, हम इसको विंडोज़ एडमिन सेंटर को लॉन्च करेंगे। मैं एक स्टैंडर्ड यूज़र से लॉगिन हुआ हूँ, इसलिए मेरे से एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड रिक्वायर है। मैं अपने एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड एंटर कर दिया है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस में है और बिल्कुल स्लाइड से सेटअप है और जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा। ये दोस्तों इंस्टॉलेशन के बाद हमारा विंडोज़ एडमिन सेंटर हमने ओपन कर लिया है और बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर जिस पीसी के ऊपर हमने इंस्टॉल किया है वो इसके अंदर लिस्टेड है। अब हमने इसके अंदर सर्वर को ऐड करना है। उसके लिए ऐड करने के लिए हम ऐड का बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, प्लस के साइन को, और यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑप्शन आ गए हैं। विंडोज़ पीसी है, विंडोज़ 10 पीसी ऐड करने हैं तो यहाँ पे, विंडोज़ सर्वर है तो यहाँ पे, विंडोज़ सर्वर क्लस्टर और एज्योर वीएम है तो यहाँ पे क्लिक करना है। मैं अभी, अब देखें ये कितना एक ज़बरदस्त किस्म का ये टूल बना दिया है कि जिस किस्म के भी आपके सर्वर हैं, पीसी हैं, हर एक को आप यहाँ पे ऐड करके एक ही प्लेटफॉर्म से ब्राउज़र के थ्रू आप मैनेज कर लेंगे। एक सिस्टम पे आपने इंस्टॉल कर देना है एडमिन सेंटर को, उसके अंदर सारे चीज़ें ऐड कर देनी है, आपको किसी सर्वर पे लॉगिन होने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर दिए हुए यूआरएल से आपने उसको अपने सिस्टम से बैठ के, अपने डेस्कटॉप से, अपने लैपटॉप से, कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको सर्वर को ऐड करता हूँ, ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम एंटर करेंगे अपने सर्वर का नाम। ठीक है, मैं यहाँ से देखता हूँ पहले इसका नाम क्या है हमारे सर्वर का। इसको लॉगिन कर लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो नाम की रेजोल्यूशन के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे लोकल सर्वर है, इसका नाम है
SVR2K19 और हमारी itfixer.local जो है वो डोमेन है SVR2K9। मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ SVR2K19.itfixer.local। देखते हैं हमारा सिस्टम इसको सर्च करता है कि नहीं, सॉरी 2K9 के 6 लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, हमारे सिस्टम ने इसको फाइंड कर लिया है, और क्योंकि मैं एक स्टैंडर्ड यूज़र से लॉगिन हूँ इसलिए उसको चाहिए यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे क्रीडेंशियल्स ऐड कर देता हूँ, यहाँ से ऐड कर देता हूँ, क्रीडेंशियल्स ऐड करते हैं। itfixer/administrator, मैं डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर के क्रीडेंशियल्स ऐड कर रहा हूँ। पासवर्ड एंटर कर देंगे और इसको मैं कर देता हूँ ऐड। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने पासवर्ड ऐड किया, सक्सेसफुली एडिड कनेक्शन का मेरे पास मैसेज आ गया, मेरा सर्वर बिल्कुल सही तरीके से ऐड हो गया है। मैनेजिंग एज itfixer एडमिनिस्ट्रेटर टाइप सर्वर है। अब इसको एक्सेस करने के लिए मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और मेरा एडमिन सेंटर इसको कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे मैंने इसको कनेक्ट किया, मेरा पूरा सर्वर जो है सर्वर 2019 है, जो कि मेरा डोमेन कंट्रोलर है, वो कनेक्ट हो चुका है। अब देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर मुझे उसका पूरा ओवरव्यू आ गया है कि उस सिस्टम के ऊपर रैम कितनी है, सिस्टम के ऊपर प्रोसेसर कौन सा है, मैन्युफैक्चरर कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा इंस्टॉल है, इंस्टॉल मेमोरी क्या है, यूटिलाइजेशन क्या है, और इस वक्त प्रोसेसर के ऊपर क्या क्या लोड है, इथरनेट के ऊपर क्या लोड है। यही नहीं, अगर आप इस साइड पे आ जाएं तो आप देखें कि मैं सिस्टम के ऊपर क्या कुछ मैनेज कर सकता हूँ। मेरे सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल्ड ऐप्स क्या हैं, मेरे सिस्टम की फाइल्स क्या हैं, मैंने सिस्टम के ऊपर अगर अपने सी ड्राइव डी ड्राइव के अंदर कुछ फाइल्स कॉपी करनी है, वहाँ से डाउनलोड करनी है, तो फाइल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो उस सर्वर की जो ड्राइव्स हैं, यानी कि उसका माई कंप्यूटर है, उसके अंदर जितनी ड्राइव्स हैं वो मेरे पास आ जाएंगी। जैसे सी ड्राइव है, सिर्फ उसके अंदर सी ड्राइव आ गई, उसको डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास सी ड्राइव के अंदर मौजूद सारी फाइल्स आ गई। ये मेरे पास सर्वर के ऊपर हैं। यहाँ पे मैं कोई नया फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ, क्लिक न्यू कर देता हूँ तो यहाँ पर मैं न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकता हूँ, टेस्ट फोल्डर। ठीक है, और सबमिट कर देता हूँ। साथ ही लॉग का मैसेज भी आ गया कि मेरा फोल्डर जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। देखिए दोस्तों, कितनी ज़बरदस्त चीज़ है कि हमें सर्वर को लॉगिन ही नहीं करना पड़ रहा, इंटरएक्टिवली लॉगिन करने से आपको पता है कितने मिसाइल पैदा हो सकते हैं। कहीं गलत किसी जूनियर एडमिनिस्ट्रेटर को एक्सेस दियो, कोई गलत क्लिक कर दे, कोई गलती से अनइंस्टॉल चीज़ हो जाए, तो इन चीज़ों को सबको ओवरकम करने के लिए मेरे ख्याल में ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आप यहाँ से फोल्डर आपने रिमोटली क्रिएट कर लिया, अगर आपने फोल्डर को इसी को डाउनलोड करना है, ठीक है, तो टेस्ट फोल्डर है इसके ऊपर, इसको क्लिक करके आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। अपलोड करना चाहिए आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, आप इसके अंदर मौजूद फायरवॉल्स, इसकी सेटिंग्स जितनी भी हैं उनको चेंज कर सकते हैं। फायरवॉल अनेबल करनी है, डिसेबल करनी है, ठीक है, रूल्स को चेंज करनी है। देखिए आपके पास फायरवॉल की सेटिंग्स आ गई हैं कि डोमेन के ऊपर आपकी फायरवॉल अनेबल है, प्राइवेट नेटवर्क के ऊपर, पब्लिक नेटवर्क के ऊपर, तीनों के ऊपर अनेबल है। चेंज करना चाहिए आप चेंज कर सकते हैं। इनकमिंग आउटगोइंग रूल्स आ गए, इसके बाद नेटवर्क आ गया, पावर शेल आप यहां से कर सकते हैं, परफॉर्मेंस मॉनिटर आप ओपन कर सकते हैं, उसका रजिस्ट्री में सेटिंग कर सकते हैं, आप उसका रिमोट डेस्कटॉप यहां से एक्सेस कर लेते हैं। एक मिनट मैं देखता हूं पहले कि अगर हमने रिमोट डेस्कटॉप हमारे सर्वर का अनेबल है तो रिमोट डेस्कटॉप डिसेबल है, हम इसको यहाँ से एक दफ़ा अनेबल करते हैं रिमोट डेस्कटॉप को, और हम इसको यहाँ से फिर एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने यहाँ से इसका रिमोट डेस्कटॉप अनेबल कर दिया और सर्वर मैनेजर से मैं अपने जो कि वेब ब्राउज़र के अंदर खोला हुआ है वहाँ से मैं इसका रिमोट डेस्कटॉप ओपन करने की कोशिश करता हूँ। रिमोट डेस्कटॉप ओपन कर रहे हैं हम सर्वर का, जो कि हमारा डोमेन कंट्रोलर है,
थ्रू एडमन सेंटर, जो कि एक वेब ब्राउज़र के अंदर हमने ओपन किया हुआ है। एडमन सेंटर कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सर्टिफिकेट का हमारे पास फर्स्ट टाइम उसने प्रॉम्प्ट दे दिया है, डोंट आस्क मी अगेन करता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ, और हमें पासवर्ड ऑलरेडी सेव किया हुआ है, कनेक्ट कर देता हूँ। तो अगर मुझे इंटरेक्टिवली उसके ऊपर कोई रोल इंस्टॉल करना है, कोई चीज़ देखनी है, तो मैं उसको रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू भी ओपन कर पाऊँगा। अभी हमारे पास स्क्रीन शो हो जाएगी थोड़ी देर में। जी दोस्तों, हमारे पास रिमोट डेस्कटॉप हमारे सिस्टम का ओपन हो चुका है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमारे पास सर्वर लॉक है, ठीक है, और यहाँ पे हमने उसी सर्वर का सर्वर 2K19 को रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू एडमिन सेंटर के अंदर ओपन कर लिया हुआ है। अगर इसके अंदर हम कुछ रोल्स और फीचर इंस्टॉल करना चाहें, उनको भी यहीं से हम इंस्टॉल कर सकते हैं। ये नीचे आप देखें, रिमोट डेस्कटॉप के नीचे आ गया रोल्स एंड फीचर, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास रोल्स एंड फीचर्स आ जाएंगे। दोस्तों, मेरे ख्याल में तो ये विंडोज़ 2019 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये ऐड ऑन किया है, जो कि वाकई 2019 की विंडोज़ को दूसरे सारे सर्वर OS जो है 2016 12 8 हैं उन सब से इसको अलग जो है बना रहा है। एक्टिव डायरेक्टरी देखें, ये सारे हमारे पास लिस्टेड आ गए हैं, रोल्स एंड फीचर्स जो कि हम डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। उन्हें हम अगर एडमिन सेंटर से इंस्टॉल करना चाहें, फॉर एग्जांपल एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस सर्टिफिकेट्स है, एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विस है, इसके ऊपर मैं क्लिक करके अगर इंस्टॉल करने की कोशिश करता हूँ, तो ये रोल इंस्टॉल करने के लिए यहाँ से हमें ऑप्शन दे देगा। तो दोस्तों, इस तरह हम कोई भी चीज़, कोई भी फीचर किसी भी सर्वर का एडमिन सेंटर के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। ओवरव्यू पे मैं दोबारा आ जाता हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टूल है। इसमें ये देखिए, अभी तो सिर्फ मेरे पास एक सर्वर है, अगर मेरे पास 10 20 50 सर्वर हैं तो मैं सब के सब को यहीं पे ऐड कर सकता हूँ और जिसको चाहूँ यहाँ से मोनिटर कर सकता हूँ। इसके अलावा विंडोज़ 10 के सिस्टम भी, जैसे मैंने बताया, उनको भी आप यहीं से मैनेज कर सकते हैं, उनको भी मोनिटर कर सकते हैं। तो ये मोनिटरिंग के लिए और मैनेजमेंट के लिए एक ज़बरदस्त किस्म का टूल है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त लगा होगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और मज़ीद अच्छे वीडियो जानने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल का बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करके रखें। थैंक यू वेरी मच।